आज हम बनाएंगे खास टिप्स के साथ भिंडी की सब्जी बनाएंगे, जिससे हमारी भिंडी की सब्जी खिली खिली बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मम्मी किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। भिंडी की खिली खिली सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा किलो भिंडी धोकर रख दिया था। जब इसका पानी अच्छे से सूख गया था, तब मैंने इसके छोटे गोल पीसेस में काट लिया था। अब मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। भिंडी की सब्जी में थोड़ा तेल ज्यादा ही लगता है। तेल को गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा अच्छे से, वैसे ही 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को चटकने देंगे। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है। इसको 2 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। साथ में हम 4 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट लिया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर हल्का चेंज हो जाए, वैसे ही हमने भिंडी जो काट के रखी थी उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें मसाले नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी सब्जी अच्छे से भून नहीं पाएगी और मसाले जलने लगेंगे, तो इसलिए प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हमारी भिंडी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने टमाटर भी अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें करेंगे मसाले ऐड। मसाले हमने पहले कुछ भी ऐड नहीं किए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सब्जी मसाला, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। सभी मसालों को धीमी आंच में अच्छे से मिक्स करते हुए लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। मसाले डालने के बाद गैस की आंच को धीमी ही रखना है, ताकि हमारी सब्जी अच्छे से भुन जाएगी और मसाले भी नहीं जलेंगे। अब हम इसे ढक्कन रखकर पकाएंगे लगभग 5 मिनट तक। तो मीडियम आंच में लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब भिंडी हमारी अच्छे से पक गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल भी लस नहीं बना है, एकदम खिली खिली भिंडी बनी है और इसका कलर भी एकदम हरा दिख रहा है। अगर आप कुछ खास टिप्स के साथ बनाएंगे तो आपकी भी भिंडी की सब्जी ऐसी ही खिली खिली बनेगी। तो बहुत ही टेस्टी एकदम खिली खिली हरी भिंडी की सब्जी बनके तैयार है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।